ये मुद्दा सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि बाड़मेर शहर में ये हमारी सरकार द्वारा शिविर चलाया गया था पट्टों का, उसमें हमारे वार्ड में मात्र एक दो पट्टे भी नहीं दिए तो एक दो दिए। सारों के फाइलें यहाँ पर जमा पड़ी है। और दूसरी बात, हमारे चेयरमैन साहब ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बुलाया था कि जो यहाँ पर पार्षद धरना दे के बैठे है वो पार्षद अनुचित काम करवाना चाहते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले वहाँ पर आके मेरे वार्ड में जांच करो मैंने अनुचित काम क्या करवाया है। और दूसरी बात कि वार्ड में कचरे की टैक्सी ढंग से पहले आती थी, अब दो तीन महीने से हमारे साथ भेदभाव चल रहा था। वो पहले वाली टैक्सी चेंज करके चार वार्डों की एक कर दी है और वो भी टाइम टू टेबल नहीं आती है। इन सारी लेडीज आई है, इनके घर पे कम से कम पाँच पाँच दिन का कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो आज आप यहाँ पे क्या किया? हमने आके क्या किया, हम आयुक्त साहब के घर गए थे, पहले फोन किया, वो तो बोले कि हम घर पे बैठे, घर पे गए। चूड़िया कैसी है आपकी? चूड़िया ये हम सभापति के और आयुक्त साहब के लिए लेके आए हैं। ये महिला अपनी तरफ से तोहफा लेके आई है। क्यों उनको पहनाई या नहीं पहनाई? उन्होंने तो छिप गए क्योंकि वो उन्होंने अगर वो काम करते, सभापति ने कल कहा था कि मैं सही काम करवा रहा है, तो आज छिपके क्यों बैठा है? आज इनके सामने इनको जवाब दिया जाए ना। और दूसरी बात, वो कह रहा है कि अनुचित काम कर रहे हैं। तो आयुक्त के घर में घुसे थे, पुलिस बुलाकर आपको बाहर निकाला गया? हाँ, वो आयुक्त साहब ने अंदर से पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया और हमको बाहर निकाला गया। पुलिस मतलब आपको बाहर निकाला गया। और दूसरी बात, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वो अनुचित काम करवाने के लिए पार्षद भेजे। चेयरमैन साहब को पूछो कि 57 लाख का पेमेंट किया था एनएफए वालों का, वो हाथों हाथ पहले रोका गया फिर बाद में हाथों हाथ क्यों किया? और दूसरी बात, जो डोसी जी का टेंडर, उनको रिश्तेदार को ही पूरे वार्डों का टेंडर दिया, जो वार्डों में मेरे वार्ड में मात्र काम आधा हुआ है और उसमें काम बाकी पड़ा है, वो अब जवाब ही नहीं दे रहा है। ठेकेदार बोल रहा है कि वो मैं काम नहीं करूंगा और बाकी वाला उनका पेमेंट भी कर दिया। कचरो बिल्कुल काटे कौन काटे तो मंगड़े आगे ढुकला पड़ा है। ठीक है, सफाई विधि हुआ को नहीं, एक आवे रिक्शा वालों कचरे वालों उरे कोई पुटो पर नाखो तो पाछो हाका करे मानो उभो रहने दे कोई।
हम छने छने दौड़ेबो हड़करो कचरो बिल्कुल दपई में ना खन देबो चूड़िया लगन पेराण हरु आया तो लिकेबो आज पुलिस टेड़ा है आज लिकेबो पुलिस रो सहारो लियो हुए पर कदे न कदे मैं सहारो ले जे ना पेरा हो पे हां फोन मारा हां अभी कल जो चेयरमैन साहब ने कैलाश इंटरनेशनल होटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नगर की सारी व्यवस्था बढ़िया है कोई तकलीफ़ नहीं है। जब इन लोगों ने इन महिलाओं ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उनको लगा यार हमारे साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है हमारी गली में कचरा नहीं निकल रहा है नालियाँ साफ नहीं हो रही है कचरे की जो टैक्सी है वो हमारे घरों के अंदर कचरा लाने के लिए नहीं आ रही है और हमारे जो पट्टे इन लोगों ने लगाए थे स्टेट ग्रांट के वो पट्टे आज तक इनको नहीं दिए गए हैं। इन सारी जो तकलीफ़ों के कारण ये महिलाएं इकट्ठी होकर यहाँ आई है और ये अब पार्षद बैठे हैं धरने के अंदर वर्तमान में 8-10 के करीब पार्षद बैठते हैं। आज धरने को 11वां दिन है और कर्मी कांसन को आज 4था दिन है। आज 4थे दिन बैठे हैं हमारे नरेश देव जी सहारणा। मतलब आज आपने क्या किया चूड़ियाँ लेकर कहाँ किसके घर पे चूड़ियाँ लेकर हम लोगों ने तय किया था कि चेयरमैन सभापति और आयुक्त को बैठ करेंगे लेकिन जब आयुक्त के घर पे गए तो वो घर के अंदर कहीं छुप गए और उनको ये जो कार्यक्रम है हम कर नहीं पाए। पुलिस को बुलाया क्या? हाँ बिल्कुल पुलिस को बुलाया उन्होंने अंदर से फ़ोन करके और लेडीज़ को सारों को बाहर निकाला है इस प्रकार महिलाओं का अपमान भी किया है इनकी समस्या को नहीं सुना है ये बहुत बड़ी तकलीफ है। जगदीश जी आपकी यूएटी चेयरमैन प्रियंका चौधरी ने एक बयान दिया कि भाई हमने तो सभापति बदलेंगे और नहीं हम नया लेके आएंगे इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी वाले विकास कराना नहीं चाहते हैं विकास नहीं हो रहा है उनका साथ दे रहे और हमारे सभापति उनके गोद गए हुए हैं पूरी तरह से गोद लिया हुआ है क्योंकि जब हम मीटिंग में बोलते हैं तो हमारी बात से सहमत है। हाँ रेणु जी काफी हद तक ठीक कह रही बात। आज आपके पक्ष में कुछ मुहिम भी चलाई जा रही है बीजेपी के ग्रुपों में वगैरह में आपके पक्ष में कहा जा रहा है कि जगदीश जी अकेले बैठे हैं बीजेपी को साथ देना चाहिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है उस अभियान के तहत बाड़मेर के अंदर बहुत शानदार मौका है। कांग्रेस के पार्षद नगर परिषद के सभापति से परेशान हैं उनको हटाना चाहते हैं अगर उनके अंदर समझदारी होती हमारे लोगों के अंदर तो निश्चित रूप से इनका सहयोग करते इन सभापति को हटा सकते थे लेकिन दुर्भाग्य है ये सभापति के साथ में मिल गए हैं। आपका संगठन कमजोर है? संगठन तो हम उनकी क्या मजबूरी है वो बता सकते हैं मैं तो नहीं बता सकता। मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे सही ढंग से नहीं कर रहे वो ही बता सकते हैं नेतृत्व के बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं तो जनता की समस्या है उस जनता की समस्या के समाधान के लिए हम पिछले 11 दिन से यहाँ बैठे हैं। आगे भी आपके अगर भाजपा सहयोग नहीं करती तो फिर आप क्या करते? मैं तो जनता की समस्याओं के लिए जो भी बंद पड़ेगा आंदोलन करना पड़ेगा भूख हड़ताल करनी पड़ेगी आम अनशन करना पड़ेगा करूँगा। छोड़नी पड़ी तो पार्टी छोड़ेंगे? पार्टी मैंने इनके कारण ज्वाइन नहीं की है पार्टी मैंने सिद्धांतों के कारण ज्वाइन की है ये गलती व्यक्तियों की है संगठन की गलती नहीं है इसलिए संगठन को नहीं छोड़ूंगा मैं।